सभी आचार्यगण और आचार्य जी लोगों को एवं मेरे सम्मुख बैठे मेरे सहपाठी भाइयों बहनों, मेरे सामने बैठे इस विद्यालय में उपस्थित वर्तमान में पुरस्कार प्राप्त करने वाले और पुरस्कार न प्राप्त करके पुरस्कार अर्जित करने की आशा रखने वाले सभी छात्रों और छात्राओं को मैं हृदय से नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और मैं आज बड़ा सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं अपने आप को, क्योंकि मैंने दूरभाष पे भी प्रधानाचार्य जी से और आचार्य जी से बात करने के दौरान कहा था, आज आते समय भी कहा था कि मैं वास्तव में मुझे लगता है कि मेरा सौभाग्य उदित हुआ है कि आज अपने उस संस्थान में जो मेरा एक मात्र संस्थान है जिसने मुझे जीवन यापन के लिए एक दिशा प्रदान की है, जिसने मुझे आगे समाज में खड़े होने की एक दिशा और एक भूमिका अदा की है मेरे जीवन में, उस संस्थान को मैं हृदय से नमन करता हूं आज कि उसके प्रधानाचार्य जी ने और उसके आचार्य जी ने मुझे ये मौका दिया मैं आके आज सबके सम्मुख अपनी बात करूं। यहाँ मेरे सामने मेरे सहपाठी बैठे हुए हैं, यहाँ आने के बाद आप उसे इंग्लिश में कहते हैं एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग, मतलब एक ऐसी मेमोरी हमारे दिमाग में बैठी हुई है कि जैसे वो एक झूला है जो कक्षा प्रथम में मैं उस पर झूला करता था, ऐसे ये पेड़ आज भी वैसे ही विराजमान है अपनी जगह पे, ये भवन, ये प्रांगण और ये सभी हमारे जहन में, जैसे आपकी मातृभूमि कितनी भी दुर्गम इलाके में क्यों ना हो, कैसी भी क्यों ना हो, आपको हृदय में उसके प्रति जो भाव उत्पन्न करने में आनंद आता है वो किसी अन्य चमकदार बिल्डिंग और इत्यादि को देख के वो भाव उत्पन्न नहीं हो सकता। मुझे यहाँ आने के बाद रामनरेश त्रिपाठी जी की कुछ पंक्तियां याद आ रही थी कि विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाफ हाफ कर, विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाफ हाफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि से, ध्रुव का वासी वह जो जीता है नित कांप कांप कर, रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि से। तो वो विश्वत रेखा का